I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने अमेरिका में कहा है, भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है। शायद उन्हें यहाँ तक लगता है कि उन्हें भगवान से ज्यादा पता है। वे भगवान को समझाना शुरू कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी उनमें से ही एक हैं। इसके आगे राहुल ने कहा है, मुझे लगता है कि अगर आप मोदी जी को भगवान के साथ बिठा दो तो मोदी जी भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। The tradition in India, and again something leaders like Guru Nanak ji, Basavana ji, Gandhi ji emphasized, was not to be under the impression that you know everything. That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. उधर विदेश में राहुल गांधी के बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं, और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और मैं एक तरह से कहूं जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 6 दिन की यात्रा में लगभग 2 दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं, 50 से ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे कलाकार साहित्यकार उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं। भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत को भारत में एक भविष्य देखती है, होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया जब और दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। और जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। शायद वो बाहर जाके बताना चाहते थे कि इनके समय दलितों पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास
और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलते हैं। इनके समय लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इनके समय हिंदुस्तान की परंपराओं को मारने का काम किया जाता था, ये पश्चिमी संस्कृति की ओर देखते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कला, संस्कृति और अपनी परंपराओं को एक बार फिर जगाने का काम किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम किया और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का काम किया। कांग्रेस ने अपने गौरवशाली इतिहास को सदा दबाने का काम किया और गुलामी की मानसिकता के साथ देश को चलाने का, यही अंतर है। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, ये देश को कभी स्वीकार नहीं।